तो गाइस क्या हाल है दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि व्हाट्सएप में आप लोग ब्लू टिक्स किस प्रकार से हाइड कर सकते हैं या फिर सेकंड टिक किस प्रकार से हाइड कर सकते हैं, लास्ट इन कैसे उसको हाइड कर सकते हैं, यानी सारी चीजें आज हम बात करेंगे प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में, जिससे आप अपनी चैटिंग को हाइड कर सकते हैं। ब्लू टिक्स हो गया, सेकंड टिक्स हो गया, इन चीजों को आप किस प्रकार हाइड कर सकते हैं ताकि आपके को आपको कोई भी पकड़ ना सके या फिर आपकी लास्ट इनको देख ना सके, सारी चीजें आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल नेट गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना। चलिए शुरू कर देना वीडियो। गाइस हम लोग आ चुके हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप लोग व्हाट्सएप में अपनी ब्लू टिक्स किस प्रकार हाइड कर सकते हैं, सेकंड टिक्स किस प्रकार हाइड कर सकते हैं, यानी जितने भी सिक्योरिटी प्राइवेसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों आपको करना क्या होगा, सबसे पहले व्हाट्सएप ओपन करना होगा। दोस्तों जो कि मैं व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ, ये व्हाट्सएप प्लस है, जो कि मैं इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से जाकर आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप प्लस या फिर व्हाट्सएप जीबी व्हाट्सएप, आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपनी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाकर ओपन कर लेना होगा। दोस्तों इसमें सिक्योरिटी लगाने के पहले सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको लास्ट सेकंड लिखा होगा, तीन टिक्स दे रहे होंगे, इसमें आपको सिंपली क्लिक करना होगा। ठीक है, मैंने जो कि क्लिक कर दिया इसमें, फिर इसके बाद प्लस सेटिंग में जाना होगा, जो कि मैंने इसमें क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आपके सामने को दूसरा इंटरफेस खुलकर आ जाता है, जो कि सेटिंग्स है। सेटिंग्स में आपको जितनी भी प्राइवेसी सिक्योरिटी लगानी होगी वो आपको इसमें फर्स्ट ऑप्शन मिल जाती है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटीज के ऑप्शन में आपको इसमें मिल जाती हैं। ठीक है, इसमें हमने क्लिक कर दिया है, तो क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं लिखा है फ्रिज लास्टिंग। इसमें क्या होता है, आपकी जो लास्टिंग होती है वो आपकी हाइड हो सकती है, किसी भी ऐप के माध्यम से इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता, मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद प्राइवेसी में आपको कॉन्टैक्ट की प्राइवेसी अलग मिल जाती है, ग्रुप्स की अलग मिल जाती है, ग्रुप ब्रॉडकास्ट अलग मिल जाती है, कस्टम प्राइवेसी अलग मिल जाती है। कस्टम प्राइवेसी मतलब होता है कि किसी एक कॉन्टैक्ट में आप अलग से प्राइवेसीज लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कॉन्टैक्ट प्राइवेसी के बारे में। तो मैंने इसमें क्लिक कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें कितने आपको प्राइवेसीज मिल जाते हैं, जो कि हाइड ब्लू टिक्स हैं, यानी आप जो भी मैसेज भेजते हैं उधर, वो अगर आप देख लोगे आप तो उसकी तरफ आपका ब्लू टिक्स नहीं जाएगा, यानी कोई भी आपका मैसेज आपके फ़ोन में भेजेगा या सेंड करेगा तो आप उसको देख लेंगे, लेकिन उसके फ़ोन पर ब्लू टिक्स शो नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं हाइड सेकंड टिक्स। तो हाइड सेकंड टिक्स में होता है कि अगर आप उस किसी ने आपके फ़ोन में मैसेज भेजा है, आप उसे देख भी लेंगे, लेकिन उसके वाले में सिंगल टिक ही शो करेगा, कोई सेकंड टिक शो नहीं करेगा। अब बात आता है हाइड ब्लू माइक्रोफोन, इसमें को आपके माइक्रोफोन जो आता है ब्लू वो बंद हो जाएगा। हाइड टाइपिंग, यानी आप जो टाइपिंग करते हैं वो टाइपिंग हाइड हो जाएगी, यानी आप वो बंदा देख नहीं सकता कि आप टाइपिंग कर रहे हैं। ठीक है, हाइड रिकॉर्डिंग, अगर आप किसी को रिकॉर्डिंग करके कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो जो जिस बंदे को भेजना चाहोगे वो आपको देख नहीं सकेगा कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब इन तीनों चीज़ों की सभी चीज़ों को अप्लाई करना है, तो आपको सिंपली इसमें टिक कर देना, टिक करना होगा आपको। जैसे आप टिक करेंगे तो आपके सामने कुछ मैसेज आएगा, इसको ओके कर देंगे। ओके करने में हाइड टाइपिंग भी कर सकते हैं, हाइड रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, तो मैंने इसको कर दिया ओके। ओके करने के बाद जब आप बैक करेंगे तो आपको कुछ देर के लिए थोड़ा सा व्हाट्सएप रिस्टार्ट होता है, होने के बाद ये अवेलेबल हो जाता है आपको। अब कोई मैसेज आपको अगर भेजेगा तो आपके वाले में ये सारी सिक्योरिटीज लग चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप किस प्रकार से किसी एक कॉन्टैक्ट में किस प्रकार से आप अपना वो लगा सकते हैं सिक्योरिटी। जैसे कि मैंने इस कॉन्टैक्ट में लगाने को दिखा देता हूँ आपको, तो मैंने इसमें क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद आप ऊपर साइड में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। जैसे क्लिक किया आप सामने कुछ आ जाता है सेशन कस्टम प्राइवेसी का, तो कस्टम प्राइवेसी आपको ऑन कर लेनी। जैसे ऑन करेंगे आप सामने देख सकते इतने सारे आपके सिक्योरिटीज आपके सामने ओपन हो जाते हैं। आप पहले सेशन में आपको मिल जाता है हाइड ब्लू टिक्स के लिए, सेकंड आता है हाइड सेकंड टिक्स, हाइड ब्लू माइक्रोफोन, हाइड टाइपिंग, हाइड रिकॉर्डिंग, हाइड व्यू स्टेटस, एंटी डिलीट मैसेज। ये एंटी डिलीट मैसेज का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी अगर आपके पास मैसेज भेजता है, मैसेज भेजने के बाद वो तुरंत डिलीट कर देता है, तो आपके फ़ोन से वो मैसेज नहीं कटेंगे, केवल उसी के फ़ोन से कटेंगे। ये सिक्योरिटी बेहद ही जरूरी होती है, हर एक पर्सन के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड व्यू स्टेटस के। हाइड व्यू स्टेटस में होता है कि आप अगर किसी भी पर्सन के स्टेटस अगर देखते हैं तो उसके फ़ोन में वो शो नहीं करेगा कि आपने उसका स्टेटस देखा है। ठीक है, एक ही होगी। ठीक है, अगर आपको इनको सभी में लगाना हो तो आप इसमें टिक करके आसानी से ओके करके इसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिक्योरिटी बारे में। अब यहाँ देख सकते लिखा है सिक्योरिटी ऑफ, तो इसको सिक्योरिटी में ऑन करना होगा आपको। तो जैसे मैंने इसमें क्लिक किया, यहाँ से पैटर्न पिन आपको डालना होगा। जैसे मैंने पिन में क्लिक किया तो आप कोई भी यहाँ से पिन डाल सकते हैं, तो
तो मैंने डाल दिया है। डालने के बाद अब इसमें सिक्योरिटी ऑन हो चुकी है। अब मैं इसको जब ऑन बैक करने के बाद इसको दोबारा फिर से खोलूँगा तो देख सकते हैं आपको सामने इसमें पिन मांगा है। जब जैसे आप पिन डालेंगे तभी उसका कॉन्टैक्ट ओपन होगा, जो कि मैंने फिर से लिया है, देख सकते हैं फिर से ओपन हो चुका है। तो दोस्तों कितना आसान था, आप आसानी से सिक्योरिटी और प्राइवेसी आसानी से लगा सकते हैं। आपको किसी भी ऐप के माध्यम से कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता, काफ़ी बेहद ही इंपॉर्टेंट ये ऐप है, सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। तो गाइस आप लोगों को साइज के समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको ब्लू टिक्स हाइड करना और सेकंड टिक्स हाइड करना, सारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी बारे में आज के वीडियो में आपको बता दिया। अगर आपको कोई कुछ चीजें डाउट हो रही है, कुछ उनको पूछना हो तो हमें कमेंट कर बताएं कि हमें डाउट हो रहा है, तो सारी चीजें हम क्लियर कर देंगे। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो हमें कमेंट कर बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।